और आप हमारे साथ देख सकते हैं गढ़वाली कबीर सिंह भी है। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके साथ ट्रेडिशनल पहाड़ी विद राहुल पंत। सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हम चलेंगे रुद्रप्रयाग की ओर। आने वाली है, चिड़ियों की चहचहाहट आप सुन सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। चलो निकलते हैं हम अपनी मंजिल की ओर। प्रयागों में से दूसरा प्रयाग आता है ये, डिसेंडिंग ऑर्डर से देखिए अगर तो। फ्रेंड्स, ये नंदप्रयाग है। यहाँ पे दो संगम नदियों का मिलाव होता है। जो आप देख रहे हैं वो अलकनंदा नदी है और ये जो आ रही है नंदाकिनी नदी है। और ये नंदप्रयाग का पुराना मार्केट है। आप देख सकते हैं इन हसीन वादियों में बसा एक नंदप्रयाग। और जो ये गांव दिख रहा है, नंदप्रयाग मासौ गांव है, मासौ। यहाँ पहले मेरी माता जी भी टीचर थी, अब तो नंदप्रयाग इंटर कॉलेज में आ चुकी है जो कि यहाँ ऊपर है। नंदप्रयाग में दो नदियों का संगम है, अलकनंदा और नंदाकिनी। नंदाकिनी जो नदी है वह नंदा ग्लेशियर से निकलती है और नंदप्रयाग में इसका संगम होता है। नंदप्रयाग में नंद की तपस्थली है। यहाँ नंदा देवी मंदिर एक सुंदर सी मंदिर है और नंद की तपस्थली होने के कारण, तपोभूमि के कारण इसका नाम नंदप्रयाग पड़ा। यहाँ पहले समय में यात्रा जो होती थी तो उस समय यहाँ ठहरने की उचित व्यवस्था होती थी और पैदल मार्ग यहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकलता था। यहाँ पर यात्री विश्राम करते थे। नंदप्रयाग एक सुंदर सी नगर है, नगर पंचायत क्षेत्र है। नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर बसा हुआ एक सुंदर सी छोटा सी शहर है और प्रसिद्ध नगर है। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं पंच प्रयागों में से तीसरा प्रयाग कर्णप्रयाग। और यहाँ पे पिंडर नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। और ये जो मटमेला सा बहुत ही ज़्यादा गंदा सा पानी दिख रहा है, ये पिंडर नदी है और जो आ रहा है वो अलकनंदा नदी है। कल शायद पिंडर घाटी साइड काफ़ी बारिश हुई है। और यहाँ भगवान सूर्य देव के पुत्र ने तपस्या की थी कर्ण जी ने, जिस कारण इसका नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। माता कुंती के वरदान पुत्र थे और ये हमारा कर्णप्रयाग काफ़ी ही सुंदर। और यहाँ पर उमा देवी मंदिर है। बस्टर से थोड़ा पहले बहुत ही ज़्यादा जाम। शुभम क्या है? क्या सीन है आगे का? बहुत बढ़िया सीन है भाई। हाँ? भाई जी टाइम करा रखो। चल ओ 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
वो पीछे गाड़ी आ रही है, चल चल मत तोड़ उसका, ये गाड़ी आ रही है उसका कहाँ पिकअप तोड़ा है। क्षमा चाहेंगे, अभी हमारे भाई गाड़ी चला रहे हैं, तो मैं कैमरा मैन सिवा मसाल उनका प्रयाग प्रयागों में से तीसरा प्रयाग आता है। और यहाँ भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण किया था। वाह वाह। और प्राचीन काल में रुद्रनाथ मंदिर यही स्थापित होते थे। काफी भी मंदिर है नदी के पदर, यह है मंदिर, मंदिर तो दिख नहीं रहा है, नदी के किनारे है, अभी दिख नहीं रहा है, अभी दिख नहीं रहा है। तो भैया वो ठेकेदार जो बोल रहा था तुझे, बहुत बारिश में बोलो रात को और नदी उफान पे। हमारे इंजीनियर साहब शिव प्रसाद द्वारा गढ़वाली कबीर सिंह से माने जाते हैं चमोली जिले में, और ये रुद्रप्रयाग मार्केट आपको संगम दिखा तो नहीं पाएंगे क्योंकि संगम केदारनाथ हाईवे पे दिखेगा। और अभी हमें जाना है सीधे श्रीनगर देहरादून हाईवे पे श्रीनगर। और ये देखो आज सोमवार को काफी मार्केट में चहल पहल, धीरे धीरे कोरोना कम होता हुआ इधर, शायद से वैक्सीन लग चुकी है अब। तिलवाड़ा भी, तिलवाड़ा इधर है ना, केदारनाथ हाईवे है वो, सामने जो पुल देख रहे हैं आप दृश्य। बॉडी करा सब बैंक है, पैसा नहीं होता। तहसील को आज रख दो प्रयाग, तहसील उधर पता नहीं कहाँ है, यहाँ नहीं है मार्केट में, नहीं है ना, यहाँ नहीं हो रहा है। सारे तेरे कभी तो मेरे फैंस गाड़ी में चलते चलते भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, गढ़वाली कबीर सिंह प्रेम हो तुम गीत हो। पर मैं मंदिर में नहीं जा पाया, गए नहीं तो नहीं भाई, जबकि साइड वाला वही मंदिर धारी दे ना मंदिर में, जब तक आज्ञा नहीं होगी ना तब तक जब तक बुलावा नहीं होगा, खड़ा हो गया माता की जब तक आज्ञा नहीं होगी होता है क्या होता है। पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर, हम नीचे तो नहीं जाएंगे बट आपको गेट से दर्शन कराना सलाह दे सकते हैं। जय माँ धारी देवी। तो आप वो देख सकते हैं, वो धारी देवी मंदिर है, काफी पानी बढ़ चुका है, और जो सामने देख रहे हो धारी गांव है, उस गांव का नाम धारी गांव है। चलो निकलते हैं श्रीनगर की ओर, और हम श्रीनगर में अपने बड़े भाई राहुल किशोरी जी से मिल चुके हैं। अरे अब हम ले जाएंगे, कहाँ ले जा रहे हो? काफी महीनों बाद हम पेट्रोल पंप जाएंगे, पहले श्रीकोट वाले में। बीजेपी सरकार द्वारा महंगाई काफी हो गई है, जिस कारण लोग अब गाड़ियां भी महीने महीने बाहर निकाल रहे हैं, मात्र 500 का। और ये देख सकते हैं आप, कितने सालों बाद आए भाई जी आप देहरादून से? मैं आया कम से कम 2-3 साल, आफ्टर 8 मंथ्स। गर्मी काफी हो गई है इधर, नहीं छक गर्म होड़ भाई, तो बारिश आ रही है आजकल, बल है छक मजा है, बाल बुल लंबा धरिया ठीक मजा मजा है। क्या क्या प्रॉब्लम हुई आंटी को, क्या हुआ, कोई बैक पेन और का? हाँ अरे इसकी मम्मी भी आ रही है ना। और आप देख सकते हैं हमारे आगे दोनों के बाल काफी पसंद में है, दोनों
स्त्रेत कराया और तब आप वो कमाई है थोड़ा सा सेविंग्स और ये देख सकते हैं महंगाई में इतने में पहले राहुल भाई अपने बुलेट में भराते थे आज ऐसे दिन आ गए मोदी जी ने तो चलिए भाई जी तो 400 रुपए का भी बोतल भी नहीं है बोले मतलब ड्राइवर बनना पड़ रहा है हैवी ड्राइवर बरतनी पड़ेगी क्या बात है क्या सतर्कता सतर्कता सावधानी सीकोट बाजार भाई जी की बहुत यादें हैं यहाँ से काफी गलियां याद है भाई जी को और ये सीकोट का बेस हॉस्पिटल का गेट और आप देख सकते हैं श्रीनगर मार्केट पूरा सुनसान पड़ा हुआ है काफ़ी केसेस है श्रीनगर में कोरोना के जिस कारण लोग डर सबके अंदर बैठा हुआ है इतने दिनों से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं बस गिने चुने लोग हैं जिनको कुछ सामान की ज़रूरत है उस कारण वो मार्केट आ रहे हैं वरना आप देख सकते हैं अभी सब दुकानें बंद होटल बंद मार्केट आधे से ज़्यादा तो थोड़ा हल्का फुल्का खुला है सब्जियां की दुकानें खुली है और राशन की दुकानें खुली है केवल आप श्रीकोट शहर देख सकते हैं पहले ये नगर पालिका में नहीं आता था कुछ साल पहले ये नगर पालिका श्रीनगर में आ चुका है और ये चौधरी जी हॉस्पिटल है यहाँ यहाँ कबीर सिंह की मम्मी इलाज करवाने आए हैं आज हम और हमारी मम्मी भी आई है और ये राहुल भाई ये क्रिकेट कोच है देहरादून में जब मैं 6 साल का था तो ये 22 साल के उस टाइम पे थे आज मैं 25 साल का हूँ तो भाई जी एज कितनी होगी I'm 26 आप कुछ बोलना चाहोगे अच्छे से जाना अच्छे से ड्राइव करके जाना सेफली जाना और हॉट प्रोटोकॉल को यूज करते रहे सब ठीक है इरफान भाई चलो फिर राहुल भाई आपसे ओके तो चलो चलते हैं हम गोपेश्वर की ओर मरीजों को दिखा गए हैं हम गाड़ी दे रहे हैं अब मिलते हैं गोपेश्वर में और ये आपके सामने उत्तराखंड का गोवा बीच इसका नाम गोवा बीच रखा गया है क्यों रखा गया है ये मुझे भी नहीं पता शायद इस बजरी के कारण रेता के कारण गोवा बीच रखा गया है नाम से क्या लेना देना व्यू तो काफी अच्छा है तो गाइस हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर से गोपेश्वर सुबह के 6 बजे निकले थे और अभी के भी 6 बज गए टोटल 12 घंटे हो चुके हैं हमें चलते चलते चलो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ट्रेडिशनल पहाड़ी विद राहुल पंत तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं घर पे रहे सेफ रहे सुरक्षित रहे फ्रेंड्स आज का दिन काफ़ी ही थकीला सा रहा है गर्मी के कारण और सुबह आपने देखा होगा कितना प्यारा सा मौसम था और श्रीनगर में आप लोगों मैंने दिखाया होगा कितना गर्मी हो रही थी कितनी गर्मी हो रही थी जिस कारण मन थोड़ा सा अजीब सा गर्मी से बहुत ही खतरनाक गर्मी चुभने वाली गर्मी हो रही थी तो इस कारण ऐसी हालत हो चुकी है कितना ही प्यारा हुआ है ये गोपेश्वर का शाम का व्यू है ये मेरे घर से दिखने वाला व्यू है